है गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदेद और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और आज ब्यूटी सेगमेंट के साथ साथ आप सेगमेंट देखेंगे किचन का भी। ऑफ कोर्स खवातीन है, स्किल्स हैं, हुनरमंद खवातीन हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज कौन ब्यूटिशियन मौजूद है? मूना इस वक्त मौजूद है, मूना ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मूना? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, ठीक। खुद इतनी प्रीटी सी, प्यारी सी, कितने साल से इस अपने सैलून को लेके चल रहे हो? मुझे 20 इयर्स हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुद इतनी कम उम्र से चेहरा था क्यूट सा। अच्छा, ये अभी जरा शादी के बाद हेल्दी हो गई है, लेकिन ये हमने तो इनको ऑफर की थी मॉडलिंग कीजिएगा, तो आज इनको मॉडल का करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर इनको अफसोस हुआ, काश मैं ही कर लेती तो अच्छा था, क्या जरूरत है टेंशन। अच्छा मुना, इस फील्ड को आपने माशाल्लाह 20 साल से लेके चल रहे हो, और कैसे इस फील्ड में आने का कैसे हुआ? मुझे चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा शौक था। हमारे जो फादर थे वो बिल्कुल एग्री नहीं थे कि ब्यूटिशियन नहीं बनना, लेकिन बस शौक था इस फील्ड में ही। से मैं ही दुबई गई मास्टर, मैंने दुबई फेस्टिवल में माशाल्लाह से फेस्टिवल 1 विन किया है ब्राइडल शो। माशाल्लाह, मुझे पहला वीज़ा वहीं से मिला था। दुबई में बहुत ज़्यादा मेकअप करके आई हूँ, माशाल्लाह से अपना सैलून रन ऑन कर रही हूँ, और अब एक न्यू ब्रांच बनाई है हमने शमा शॉपिंग सेंटर मार्केट में। अच्छा अच्छा, एक अक्सर मैंने देखा है खवातीन को जो है वो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक जब भी इस फील्ड को चूज, एज ए 20 साल तो बहुत ही पहले जो ऐसा सिस्टम था कि आप लोगों ने, तो अभी तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पहले बहुत लोगों को ये फेस करना होता था, रिलेटिव वगैरह का ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स। क्या बेटी को क्या करवा रहे हो ऐसे? एक्चुअली ऐसे ही हमारे जो चचा थे वो हमारे फादर से रहे कि ब्यूटिशियन क्यों बना रही हो, ये वो बस मेरा शौक था तो आगे बढ़ने का, और मैंने कंटिन्यू इसे पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं हटा आगे। और वाकई में इस बंदी ने अपना नाम बना लिया और जबरदस्त काम करते हो। और आज क्या ब्राइडल आप लेकर आ रही हो? मैं रिसेप्शन की वलीमा ब्राइड मेकओवर कर रही हूँ। ठीक है, कौन सा वलीमा? मॉडल शिमर। बिल्कुल अच्छा, हमने बेस लगाया हुआ है जैसे प्राइमर बेस जो भी? जी जी, बेस वगैरह हमने कर लिया है, आइस मेकअप, लिप और कंट्रोल वगैरह, ताकि टाइम जरा सा बच जाए। अच्छा जी नाज़रीन, जब तक मूना इसको ऑफ कोर्स मेकओवर करेगी, साथ साथ इनके क्लिप्स भी आप इनके काम करते हुए देख लीजिएगा। और मूना, अगर कोई भी ऐसी, मैं क्योंकि किचन में जा रही हूँ तो आपने मुझे अगर कोई बात कहनी हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, ठीक है? मूना अपनी मॉडल के पास जाएंगी, मैं जा रही हूँ कौन है, अलीना, शेफ अलीना के पास। और शेफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं साबी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जी क्या बन रहा है ये बताइए? आज तो चिकन टिक्का बन रहा है। क्या बन रहा है? चिकन टिक्का बना। थैंक यू। अच्छा ये बताएं आज क्या बन रही डिश का? आज तो टिक्का बन रहा है। टिक्का, ओह माय गॉड, ये तो सबके लिए बहुत अच्छा है, जो डाइट फूड करते हैं, जो डाइट फूड खाते हैं उनके लिए भी, जो ग्रिल पसंद करते हैं उनके लिए भी, मतलब सब इजीली खा सकते हैं। यार इधर मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ग्रिल कैसे होगी, मैं सोचो में पड़ गई, तो सब्स्टिट्यूट क्या होगा? तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। चले जी, आप पहले, सबसे पहले अलीना यहाँ आ जाओ, सारे इंग्रेडिएंट्स बताओ हमारे नाज़रीन को। अच्छा ओके। अच्छा जी, इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगी अलीना से। और अलीना, आपने जब तक हमारे नाज़रीन रेडी होते हैं तो मैं अपनी जरा मूना के पास जाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ, ठीक है? मूना ये बताएं कि सबसे पहले थोड़ा हमारे उधर नाज़रीन को कैमरे पे बताएं कि सबसे पहले आपने क्या लगाया? हमने सबसे पहले नहीं, वहाँ वो नाज़रीन को भी वो देख रहे हैं। हाँ, ऐसे इस तरफ देखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने बताएं, अपने मॉडल को बताएं। हमने सबसे पहले जो है स्किन पर प्राइमर यूज किया ताकि स्किन सेट हो जाए, ठीक है ना? इसके अलावा के उसके बाद हमने कंसील किया आईज को, डार्क सर्कल को, देन आफ्टर हमने बेस अप्लाई किए, फेस कंट्रोलिंग, ठीक है ना? अब हम करने इसके जा रहे हैं आईज मेकअप एंड लिप कलर, ठीक है? ओके। इस वक्त जी नाज़रीन, मैं एक और बात कहना चाहूँगी अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन से, क्योंकि शेफ अलीना यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर आप भी कोई अपनी डिश की फरमाइश करना चाहें ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अच्छा मूना एक बात बताएं, जब ये अक्सर आई मेकअप किया जाता है जी जी, तो सबसे पहले क्या लगाना चाहिए आईज के ऊपर? आईज को सबसे पहले आईज में कंट्रोल करना चाहिए, जो डार्क सर्कल्स है कंसील करना चाहिए कि 1 टोन पे स्किन आ जाए, उसके बाद आई बेस होती है, देन आफ्टर आईज मेकअप शुरू किया जाता है। अच्छा ओके, चले जी अब हम लोग। अच्छा मुने, जब भी आपको बुलाना हो आप हमें आवाज दे दीजिएगा, हम आ जाएंगे। जी जी, आवाज दे
कहाँ है दुनिया मेरी, यहाँ है किचन में है इस वक्त शेफ पौदीना। और बताए आज डिश और उसके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो आज हम टिक्का बना रहे हैं और हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दही रखा हुआ है, ओके, एक पाव, ठीक है, और हमारे पास लेमन है, और फॉर गार्निशिंग हमारे पास कोरिएंडर लीव्स, ओके, धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पेस्ट ऑयल है हमारे पास 1 कप, और जितना हम टेबल स्पून इस्तेमाल करना चाहें वो हमारे पे डिपेंड है, ठीक है। और हमारे पास शान का चिकन, ठीक है, टिक्का पाउडर है क्योंकि इससे और फ्लेवर्स मैं समझ गई, ठीक है ठीक है, ओके। और हमारे पास चिली फ्लेक्स है, रेड चिली पाउडर है, ठीक है, हमारे पास नमक है, हल्दी है, और क्यूमिन एंड कोरिएंडर का जो पाउडर है जो हमने रोस्ट किया था अभी, ठीक है, तो वो है ये। यानी कि जीरा और धनिया को थोड़ा सा आप रोस्ट कर लें और उसके बाद आप इसको क्रंच करें या पीस लें जो भी है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह, हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम पहले इसको साइड कर देते हैं, फिर हमारा जो पैन है वो और जल जाए। इस साइड आ जाओ, इस साइड में तुम्हारे पीछे पैसा या उधर ही रहोगे ना, आप इधर ही रहोगे, मैं इधर ही हूं। तो हम पहले अपनी मैरिनेशन बना लेते हैं अच्छी सी, ठीक है, बिल्कुल जी। नाज़रीन, इस वक्त मुझे जरा अपने सॉन्ग की आवाज नहीं आ रही, अर्श से साथ रहे आगे फिर यहां। ये सबसे पहले इन्होंने दही के अंदर जो है भुना हुआ धनिया और जीरा ये हम रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं ताकि थोड़ा चटपटा सा बन जाए। बिल्कुल चटपटा जरूरी है, जिंदगी में चटपटा होना जरूरी। अच्छा, फर्स्ट मैंने जो है रात को इसको टेंडर करने के लिए विनेगर वाटर में इसको मैंने सोक करने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था कि जब हम बनाए तो हमारी जो चिकन है वो से कच्ची ना रहे। अच्छा जी, क्या बात है, ये टिप देखो जरा, इतनी हमारी टैलेंटेड शेफ को कितना। अच्छा, आपका क्या है उसका मुझे बताइएगा, आपका फेसबुक किस नाम से? मेरा फेसबुक अलीना शेख के नाम से है। अलीना, इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड है, आप इस पे बारबेक्यू बनवा लें, आप देसी खाने बनवा लें, बिरयानी बनवा लें, आप जो है बेकिंग के बिस्किट्स, केक और क्या चीजें, और चाइनीज जो भी है, शी इज ऑल राउंड कुजीनियर, ऑल राउंडर कुजीनियर, जबरदस्त। और ये डल रहा है लहसुन अदरक, ये डल गया है, ये जबरदस्त। ओहो हो, जब इसके अंदर ये सारी चीजें लग जाएंगी तो टिक्का कहेगा खा लो मुझे। जबरदस्त, ये पानी साफ है, यूज तो नहीं हुआ? बिल्कुल साफ है, आप पी सकती हैं। ओके ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेमन भी डाल देते हैं इसमें ताकि और थोड़ा सा और मजे का फ्लेवर हो जाए, बेहतरीन। अच्छा, मैं एक और बात कहूँ, इस वक्त तो ऑफकोर्स नमक दूसरा है, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगी कि प्लीज प्लीज, और नेक्स्ट टाइम आप भी पिंक सॉल्ट यूज किया करें। Exactly, पिंक ये बहुत जरूरी है। अच्छा, हर चीज मैंने देखा है कि हमारे मुल्क में मौजूद है और हम लोग प्योर चीज लेना काफी मुश्किल होता है, तो कम अज कम कुछ चीजें अपने हैंड में रखा करें। चलिए जी, हम क्या, अच्छा अभी हम लोग नमक थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि जो हमारे जो मसाला है इसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है। अच्छा अच्छा, में होता है नमक जो है वो ओवर पावर ना हो जाए, ठीक है, डन। अब इसको मिक्स करते हैं, ये जी हो गया मिक्स। इसकी खुशबू कितने मजे की आ रही है। इसकी अगर ग्रेवी की भी थोड़ा सा अगर आप ऑयल में बना लेना तो वो भी खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, दही का खास सॉल्ट है। ये हो गई मिक्सिंग। अच्छा, बताती जाए ना साथ साथ, फिर मैं ही बोलती रहूंगी, ठीक है। हम मैरिनेट कर रहे हैं इसका, मिक्सर बना रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे। फर्स्ट हम इसके ऊपर कट्स लगा लेते हैं ताकि हमारी जो चिकन वो अंदर तक जो है वो उसके मसाला अंदर तक चले जाएं। ये जी, ये अल्लाह अल्लाह, ये कौन सी वाली छुरी निकाल दी? ओह सॉरी, ये तो गोश्त के अंदर जो है ना जिगजैग बन जाए। यस ओके, देखिए, यस नो प्रॉब्लम। ओके जी नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं एंड शेफ अलीना से कोई भी डिश की फरमाइश भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह तआला शेफ अलीना डेली हमारे साथ होंगी। इन्होंने कल भी इंशाल्लाह कुछ अगर माइंड है तो बता दीजिएगा कौन सी डिश अभी से ही कि कल क्या बनेगा, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो देन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश भी यहाँ पर बता सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा, इसे अभी मैंने कर्च लगा दी है, देख लीजिए आप लोग, ताकि उसके अंदर रस रच बस। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं चिकन कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो रही है क्योंकि टेंडर हुई भी ओवरनाइट, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया है, हम इसको इसमें नहीं डाल सकते? अगर एक एक पीस इसमें डाल के थोड़ा कर ले फिर सेटिंग से ज्यादा अच्छा नहीं होगा? ठीक है, ट्राई करें, देखिए इसके अंदर हो सकता है तो बड़ा बाउल ले लेती ना तो ज्यादा अच्छा चलेगा। अच्छी, एक को लगा के रखे फिर दूसरे को, फिर दोनों को मिक्स कर इसी में डाल दी। चले जी, हम लोग जब तक इसको पूरा कवर करते हैं
और थोड़ा मूना के पास भी जाके देखते हैं जब तक ये भी कवर्ड हो रहा है, साथ साथ ये भी स्किप। जी मूना मेरी जान, मूना डार्लिंग कहाँ तक पहुँची हैं? मेकअप कर रहे हैं जी। स्विच टू मूना, क्लोज में जरा इनका दिखाइएगा। नहीं नहीं आप इट्स ओके, आप सही काम करें, आप काम करो, इनका फेस का जरा क्लोजअप लीजिए ताकि हमें पता चले कि आई मे। यस गुड, और क्लोज, और ये हो गया है मूना दिखा रही है आईज मेकओवर। यस देखें जी, बहुत जबरदस्त, ओह बेहतरीन आई शेडो। ओके इसकी कॉर्नर बन रहे हैं ना? यस कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर बन रहे हैं और बड़े जबरदस्त लग रहे हैं इस वक्त। अच्छा ये फिर इसके बाद करेंगी ब्लेंडिंग, तो फिर देखिएगा इसका लुक क्या आउटस्टैंडिंग, और इस पे शिमर मेकअप होगा। अच्छा शिमर भी, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड है, फिर इस पे लगेगा शिमर। आजकल ना शिमर मेकअप का काफी ट्रेंड चल रहा है, हर क्लाइंट को आईज शिमरी चाहिए। अच्छा चलिए हम सावी से भी कुछ कराते हैं ताकि जो है उनको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। सावी ये आप यहाँ रखें और इसके ऊपर अपने अच्छे अच्छे हाथों से फटाफट इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल। रियली ना ये नॉट फेयर यार, ये दिस इज फेयर ना, साथ खड़े तो काम करना चाहिए ना, ताकि आपको भी ये गलत बात है जी। नहीं ये साथ डाल दम से डाल लो, नहीं नहीं प्यार प्यार से डाल, ये थोड़ा थोड़ा डाल, थोड़ा थोड़ा डाल, पूरा थोड़ा। अच्छा ये मैं यू ही सोच रही थी, यहाँ पर तो ग्रिल नहीं हो सकती, तो ये कौन सा जुगाड़ लगाएंगी? तो ये जुगाड़ ये पहले जुगाड़ सभी से हैंडिंग करवाएंगी। तो ये कितना कितना चंदा डालना है? बस 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 इतना बता कि बस। अच्छा चिपके ना तक ना, ओके डन। अच्छा ये भी कि घर में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, ऑफ कोर्स आप अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो ये चीजें भी बड़ी काउंट करती हैं। और क्लोज में देखिएगा जरा इसके ऊपर देखिएगा, ये देखें जी कितना जबरदस्त यमी। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल हम इसको पहले से मैरिनेट करके कितनी देर रख सकते हैं? हम लोग 4 hours 3 hours ओवरनाइट रख सकते हैं, तो फिर ज्यादा जूसी नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली ओके। अभी हमारे पास आर्मी तो हम सबको अपने दिखाना होता है, इसलिए तो अपने भी मजबूरी है, उफ अल्लाह कुछ कर भी नहीं सकते। यस अच्छा जी ये हो गया है, ठीक दोनों आ जाएंगे इसके ऊपर? बिल्कुल आ जाएंगे। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डायरेक्शन चेंज कर दो थोड़ी, इसको उस साइड करो, इसकी लेग उस साइड कर, ये वाली नहीं, चलो अच्छा ऐसे ये हो गई बेहतरीन, अब दोनों सेटिंग में आ गई। अच्छा ये ग्रेवी इसके ऊपर ही डालनी है इसकी, जो मतलब इसका मैटर जो बना हुआ है जी, ओ मैरिनेशन है हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसका यानी कि आप टिक्के के साथ आप इसका मसाला भी चपाती के साथ नान के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल ये भी डाल दो, ये देखें इसको मैक्सिमम कितनी देर अलीना छोड़ना पड़ेगा? 4 hours अगर आपकी नहीं, नहीं इसके अंदर पकाने के लिए खुदा के लिए 4 घंटे सुनकर तो मेरी सांसें बंद कर दी। ये क्या चीज है जो गले को, ये चिकन ही है ना, इसको 30 मिनट्स लगेंगे अच्छा प्रॉपर कुक्ड होने में। गुड गुड, जब तक आप इसको अच्छा भी हम आप चलें फिर अच्छा हम इसको बेक भी कर सकते हैं, हम लोग इसको ग्रिल भी कर सकते हैं ओवन में, हम इसको जी फॉइल में हम लोग इसको फॉइल में ग्रिल भी कर सकते हैं, तो और मतलब और जूसी बनती है। आए आए आए। एक दिन मैं चलूंगी अलीना को लेके ऐसी जगह पर जहाँ पर सज्जी बनती है और हम चलेंगे बलूचिस्तान। बिल्कुल, आर यू रेडी बलूचिस्तान? वी आर कमिंग अलीना एंड सभी, और जहाँ सभी हो वहाँ सभी भी मौजूद होती है, और वो डालते हैं पूरा पूरा बकरा किसके अंदर, एक बड़ा सा तंदूर उसमें बनता है, और फिर उसके अंदर डले होते हैं चावल, इसको दमबुक भी कहते हैं। ओए 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 ओए, दमबुक में तो नाम भी भूल जाते हैं मुझे याद है, लेकिन हम तो यही सिंपल सिंपल बातें करते हैं ना। तो चलने फिर आप लोगों ने मेरे साथ बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का जो है स्पेशली वहाँ पर जो बकरा बनता है और वो किस तरह बनाते हैं वो मेरी बात हुई है, तो इंशाल्लाह हम चलेंगे वहाँ, आप लोग भी चलेंगे मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। अच्छा जी आप इसको चल दम पे रखें, हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो हम चलते हैं मूना। जब तक मैं इसको थोड़ा स्टीम के अंदर इसको ढक्कन लगा के इसको छोड़ देती हूँ, तब तक ये अपनी जो फ्लेवर है उसको वो थोड़ी देर पर मुझे आवाज लगाने, सभी थोड़ी थोड़ी आएगी जी। बिल्कुल चले जी, और चलते हैं मूना की तरफ, मूना ने आई शेड्स कहाँ तक कंप्लीट किया, लेट्स सी। मूना माशाल्लाह अभी प्रोसेस में है आईज मेकअप, इंशाल्लाह भी उठती है जी। ये देखें जी कितने प्यारे आई शेड्स लगे हैं, ओके मैं देख रही हूँ मूना को, और
मोना जो है इस वक्त बिल्कुल ब्लेंडिंग अपने फिंगर से कर रही है। हाँ 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 जबरदस्त, मैं देख रही हूँ। वाओ जबरदस्त, अच्छा जी नाज़रीन मैं करती हूँ आपसे बात। अगर आप चाहते हैं, हमारा एक जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है जश्न बहार, तो गुड मॉर्निंग विद सभी आपके साथ करना चाहती है जश्न बहार। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी नई नई शादी हुई है, उनकी ज़िंदगी में भी तो बहार आई है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट होता है कि जी सेलेब्रिटीज़ उनकी शादियाँ ही शादियाँ होती हैं, नहीं भाई, हमारे पाकिस्तान में हर ज़बान के लोग रहते हैं और हर प्रोविंस में हर सूबा मेरे लिए बहुत, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आपकी शादी हुई है और चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज आपके हो, बलूचिस्तान हो, आप सराइकी हो, आप गिलगित से हो, आप पंजाबी हो, आप सिंधी हो, आप कोई भी हो सकता है, मेमन भी ज़बान बोली जाती है, तो फिर हम चाहते हैं कि आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएं, तो हम आपको शादीशुदा जोड़े में देखेंगे और हम आपको देंगे एक ज़बरदस्त सरप्राइज गिफ्ट। तो आर यू रेडी? तो नंबर है 03, फजान भाई लगा दीजिएगा 03-15-82-48-704। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी पिक्चर हमसे शेयर करें, इन डेट मेंशन करें, जनवरी में हुई है या फरवरी में, नए साल में, ओके, नए साल में जिनकी शादियाँ आने वाली हैं, तो हमारा है जश्न बहार, उसमें आप बहुत एंटरटेन होंगे, बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ। तो आप हमारे साथ रेडी हैं, नंबर में एक बार फिर और स्क्रीन पर चल भी रहा है 03-15-82-48-704। तो वीनस टीवी के साथ एंजॉय कीजिए गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ जश्न बहार, जहाँ बहार आई पत्ते झड़ गए। जिंदगी का भी यही मैसेज है कि देखे नए उमंग नए जज्बों के साथ बिल्कुल हरियाली दोबारा आती है आपकी ज़िंदगी में। थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं, बाहर भी उसी तरह आती है जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर बाहर, तो आपकी ज़िंदगी में आ गई है बाहर, तो हम आपके साथ मनाएंगे जश्न बहार गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जी मुना आपने भी आना है इंशाल्लाह, लेकिन आपकी शादी में पिछले साल हुई थी, दो साल हो गए। आए अल्लाह, चलो फिर भी आ जाना यार फिर भी आ जाना, क्योंकि ब्यूटिशियन को तो वैसे ही मैं बुलाऊंगी, और ब्यूटिशियन अच्छी सी, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को मॉडल बनाती है ना, तो खुद आप अच्छे से तैयार होके आइएगा, क्योंकि आप लोगों को मौका नहीं मिलता। अच्छा मैंने देखा ब्यूटिशियन जो होती है ना, बेचारियां बोल रही, सॉरी नाराज नहीं हूँ, आता है कि बेचारियां, तो बेचारियां जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती, जो सुबह 10-11 बजे सैलून में जाती हैं, और अगर इनके पास ब्राइडल बुकिंग आ जाए, पार्टी मेकओवर हेयर स्टाइल, तो बाखुदा इन बेचारी बच्चियों को रात को 10-10, 11-11 बज जाते हैं, और चांद रात का तो जिक्र ना करें, मेहंदी लगाते लगाते इनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, और ये लोगों को रात को सुबह 4-5 बज जाते हैं मेरे ख्याल, ऐसा ही है, 8 भी बज गए हैं सम टाइम, घर वाले ईद पर करा रहे थे ना, हम चारों क्रॉस करके अगले दिन ईद होती है ना, ऐसा ही है ना जी, ऐसे ही होता है। तो भाई ये हमारी खवातीन को सैल्यूट है, जो बेचारियां सारा जो है ना किसके लिए करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, और इन्होंने क्या करना है आगे फ्यूचर के लिए, कि अल्लाह पाक इनको किसी का मोहताज ना करे। और आप भी ब्यूटिशियन हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट ओनली आपने हमें अपना काम शेयर करना है, और नंबर फिर मैं बता दूं 03-15-82-48-704, थोड़ी देर बाद नंबर लगा लीजिए। अगर आप हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव एनी स्किल्स, अगर आपके अंदर टैलेंट है, ये खटखट अलीना इतना ज़्यादा करोगी तो यहाँ पे धमा चौकड़ी मचेगी, हम चलते हैं शेफ अलीना की तरफ, पता नहीं मुझे बुलाना चाह रही, अलीना इतनी खटपट करोगी तो बड़ा मसला हो जाएगा आप बताओ कहाँ तक पहुंची तुम्हारी डिश? मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि इस किस टीम के अंदर थोड़ी सी कर जाए, ओके, और मैं एक कैप लगा दिया। अच्छा बस अब खटखट बंद करना, हम चलते हैं मुना की तरफ। मुना बस अब शमा से रह गया, ओके ओके, मुझे जरा टाइम बता दीजिए कितना है शहजाद भाई, ओके जरा मैं चाहती हूँ क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन ना रह जाए, बस अब जल्दी से कंटूरिंग करें, ब्रश ऑन लगाए, लिपस्टिक आई शेड्स इन्होंने, इनको वलीमा ब्राइट रेडी है, और इनको जो अपने नथ पहनानी है, टीका पहनाना है, जो भी देख लीजिएगा, यस ओके, क्योंकि ये ना कुछ चीज़ रह जाए। एक बार पता क्या हुआ था सीना, मुना को ज़रा सुनाऊँ स्टोरी बेचारी ना पूरी ब्राइट तैयार कर दी, मैंने कहा मैं जैनी कॉस्मेटिक्स, हमारा एवरी थर्सडे होता है ना, वो गिफ्टिंग वगैरह ब्यूटिशियन को देते हैं, तो बड़ी प्यारी अशोक गुप्ता बाबर ने ब्राइट बनाई, अच्छा उसमें उनकी ना नथ रह गई, अच्छा नथ भी बड़ी प्यारी ज्वेलरी उन्होंने बड़ी सेलेक्टेड ली थी,
अब वो जैसे ही रिसेप्शन में प्रोग्राम खत्म हो गया ना, हाय हाय नत तो रहेगी नहीं, ये जो होता है ना वलीमा ब्राइड रिसेप्शन का, इसमें ज्यादातर ब्राइड्स जो है ना वो सिमिलर इतनी खास वेयर नहीं करती है, वेडिंग में बहुत ज्यादा मस्त सॉफ्ट होता है लुक और बड़ा खूबसूरत होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही है। लेकिन मैं ऐसे जहन में आया, उन्होंने कोई बरात की बनाई थी चंदा, तो वो नत उनकी मिस्टेक हो गई, मतलब बातों में रह गई ना, तो जल्दी में ये होता है कि क्योंकि मैं आपको बताऊं नाज़रीन, हमारा जो ऑफ कोर्स ब्यूटी सेगमेंट होता है क्योंकि लाइव होता है और मैं तो डेली आती हूँ फिर भी फंबल कर जाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो अब ये जो फर्स्ट टाइम आते हैं ये तो पहले से घबराए हुए होते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं पहले उनको कंफर्टेबल जोन देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लाइव मेकओवर करना इतना आसान नहीं। आपको सैलून में आप जब जाते हैं तो वो एक अलग क्राइटेरिया होता है, फिर सामान ये वो सब बड़ा काउंट करता है, तो आप भी इतना ना परफेक्शन देखा करें कि यार इसमें ये रह गया होगा, ऑफकोर्स ये सोचा करें कि लाइव भी रिकॉर्डेड नहीं है, मेरा कोई भी शो रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव जाता है, तो इसीलिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आप हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना है। शहजाद भाई कॉलर दीजिएगा, हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। असल में अच्छा ड्रॉप इतनी देर होल्ड करवाते हैं तो ड्रॉप ही हो जाएगी ना, तो आप लिया करें जल्दी से, और असल में इसलिए होता है कि सम टाइम हम लोग गुफ्तगू करें तो उसमें इंटरप्शन ना हो तो हम लोग नहीं वो कर पाते। अच्छा जी शेफ, मेरा सोना शहजादा कहाँ तक पहुँचा? बस को खो रहा है हिस्सा हिस्सा, ढक्कन क्यों उड़ा लेती हूँ? अच्छा जैसे मैं बोलती हूँ ढक्कन उड़ा ले, उसको रहने खाना होता है ना? नहीं 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 नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसको डिश आउट ना कीजिएगा, नाज़रीन को बहुत अच्छी तरह एक बार रिपीट कर दो इस डिश को। ठीक है, मैंने मैंने सामने कैमरा है वो रहा, ठीक है आप दो चिकन टिक्का के पीसेस लिए थे, नहीं मुझे नहीं और मैंने वन आधा एक पाव मैंने जो है वो दही लिया था, उस पर मैंने एक टेबल हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाला था, मैंने फिर हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला था, मैंने हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाले थे, हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, और शान का चिकन टिक्का मसाला डाला था मैंने, और मैंने वन टेबल स्पून लेमन जूस डाला था, टू टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था, उसको मैरिनेट करके मैंने, हमारे पास ग्रिल पैन नहीं था तो मैंने इसको पैन फ्राई कर लिया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पक रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला, चिकन का पानी छोड़ेगी और ऐसा ऐसा ये जो है इस पर कलर आ जाएगा और ग्रिल हो जाएगा, स्टर फ्राई हो जाएगा, तो फिर मैं सर्व कर लूँगी। क्या बात है अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपने इसकी प्रेजेंटेशन जब रेडी हो जाए ना तो आपने, हाँ ठीक है वो हम पेज पे डाल देंगे, तो वहाँ से भी मेरे पेज पे से भी आप लोग देख सकते हैं, और ये फिर या मेरे टेबल पे आ जाए और आप भी आ जाना, ठीक है? चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अलीना अभी जब ये बन जाएगा इसकी सर्व करते हुए यहाँ पर डिश जो है प्रेजेंट कर देगी, आप लोग देख लीजिएगा लुक में कैसी है, ठीक है? चले जी यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक ले लें, इजाजत है यहाँ अभी रुक जाए ले लें, चलिए जब ये लेते छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग सन के साथ। फूल खिलने लगे जगमगाए जहां, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदीद। और जो है इस वक्त हमारे दरमियान मूना मौजूद है, मूना सैलून से, और मैं इनका काम देखती हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस इसमें कोई शक नहीं, बहुत नाइस और बहुत हार्ड वर्किंग। ऑफ कोर्स हर लेडी के पीछे की स्टोरी होती है, तो मूना के पीछे भी एक हार्ड वर्किंग स्टोरी है, तो मैं ऐसी खवातीन को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जिनके पीछे एक मेहनत छुपी हुई है। कुछ लोगों को तो बना बनाया मिल जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पास जितनी ब्यूटिशियन है और PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री से जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी खवातीन आई हैं उनके पीछे बहुत हार्ड वर्किंग है, इतना ईजीएस्ट नहीं। आप लोगों को समझा होगा कुछ लोग खवातीन एक रूम के ऊपर भी बड़ी मुश्किल से काम कर रही हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेट्स सी, आप लोग हिम्मत ना हारें, सभी भी आपके साथ है और आपकी मेहनत आपके साथ है, लेट्स सी, और आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ है। कुछ लोग पेरेंट्स भी बड़ी बातें फेस करते हैं, कुछ ने क्या कह दिया जी, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, तो आप किसी की बात की परवाह ना करें, अपनी मेहनत के ऊपर आप रखें और अल्लाह पे यकीन रखें, बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी। लेट्स सी, और एक और बात, बहुत जल्द यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनर्स भी आ रहे हैं और ज्वेलरी भी आ रही है, तो आप लोगों को आगे जो शादियों का सीज़न है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ मैं आपके लिए सोच रही हूँ कि डिस्काउंट में भी हो, और जिस तरह वैसे भी ज्वेलरी जो है वो ड्रेस की मुनासबत से होनी चाहिए, तो ये कलेक्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द। प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और अगर आप टैलेंटेड हैं तो हमें
ज्वाइन भी कर सकते हैं। मुना कहाँ तक पहुंची? कंप्लीट। मुना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर ना कहना। कंप्लीट हो गया। यस। ये क्या लग रहा है? ये व्हाइट काजल लग रहा है, इससे आईज एकदम ब्लॉन्ड लगती है। व्हाइट काजल? अल्लाह, मैंने ब्लैक काजल सुना था मुना, पहली बार सुन। व्हाइट काजल जो है, व्हाइट पेंसिल सुनी थी? नहीं, व्हाइट काजल लाइनर है। ओके, आंखों में पानी तो नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं। ओके, जबरदस्त। अच्छा, बड़ा सॉफ्ट सा की है सर, आंखें जरा हाईलाइट ज्यादा अच्छी की है, जबकि बाकी मेकओवर बड़ा जबरदस्त किया, सॉफ्ट सा। ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप होता है ना, कि ड्रेस बहुत ज्यादा फाइन कलर, बहुत खूबसूरत है जी। क्या रह गया? हो गया, डन हो गया। अब मुना को मैं बुला लूं। यस, ये देखें फाइनल टच, और बिल्कुल आईज क्लोज कीजिएगा गुड़िया। यस, ये देखें बहुत जबरदस्त। इनका टीका थोड़ा सा नीचे करेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये रो बस, ठीक है, ओके ओके, डन हो गया। चले जी, मुना आ जाए आप यहाँ पर मास्टर कैमरे के थ्रू। आप मुना आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं मास्टर कैमरा खोल रहा जी। और ये आ गई मुना अपनी जगह पर, और सॉन्ग रेडी कर दें ताकि हम मॉडल, आप यहाँ पर आ जाओ फ्लावर के पास ही। और ये हो गई है ब्राइडल प्रेजेंटेशन रेडी, और इसी तरह आप लोग भी अपने ऑफ कोर्स अपने काम को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। यस, क्या बात, सॉन्ग तो प्ले कर दें। आप इधर आ जाओ, क्या बात है वाकई में। अरे नैनो के मैजिक बदले बदले, क्या बोलते हैं, मैजिक बदल गए। बड़े जबरदस्त मुना, बड़े जबरदस्त आपने माशाल्लाह प्रेजेंटेशन दिखाई। अच्छा, किस तरह के आजकल जो मेकओवर लोग पसंद करते हैं? मॉडल शिमर का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, शिमर का बहुत, काफी सारे क्लाइंट्स के लिए मॉडल शिमर करें। अच्छा, पहले तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट लुक में और अरेबिक आईज पसंद की जाती थी, लेकिन क्या है कि फैशन के साथ से ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। हाँ। शिमर का चल रहा है तो जाहिर है। अच्छा, मैंने अक्सर देखा जैसे हम लोग हर तरह की, वैसे ब्राइड उसमें अच्छी लगती है, जैसे आपने कहा ना अरबिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है अरबिक, बहुत यार कोई नहीं कर सकता, मैंने देखा अरबिक का एक अलग ही, अरबिक जो है ना वो वेडिंग में, वेडिंग की ब्राइड पे अरबिक कॉर्नर बहुत, स्मोकी कॉर्नर में बहुत हसीन। पिछले दिनों चला था अरबिक के ऊपर ना बहुत ज्यादा, अभी भी वेडिंग ड्रेस में हो रहा है।
होता है ये रिसेप्शन का है लेकिन मेकओवर वहां का फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग मेकअप करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सॉफ्ट ड्रेस कलर पे हम डार्क मेकअप कर लेते तो उठता नहीं है क्योंकि वो अरेबिक थोड़ा सा डार्क हो जाता है। आप ऐसे खड़े हो ऐसे बस ताकि आपका यस। तो अगर फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स आपका ट्रेनिंग सेंटर भी है, खवातीन बच्चियां जो सीखना चाहती हैं तो कोई रीजनेबल चार्जेस में बंदा सीख। हमने बहुत ज़्यादा जिस एरिया में हमें हमने 10,000 में डिस्काउंट स्टूडेंट के लिए ना डिस्काउंट पैकेजेस हमने किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स है जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वो 10,000 में हमसे कंप्लीट कोर्स करें। ठीक है कंप्लीट कोर्स कुछ मतलब कुछ लोग देखिए इतने बड़े बड़े एक्सपेंसिव कोर्स खवातीन जो है ब्यूटिशियन खास तौर पे वो नहीं कर पाती नहीं कर पाती। तो ये उन्हीं के लिए है। हम काफ़ी सारे कॉपरेट करते हैं आके हमें कह देती हैं तो मैं बिल्कुल साइड पे ना उनसे बात कर लेती हूँ, उनका फॉर्म स्टूडेंट का फिल कर लेती हूँ, किसी पर जाहिर नहीं होता कि उन्होंने फी पे किए नहीं किए लेकिन हम ये आपकी आपका बड़कपन है। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि अगर किसी का ख्याल कर दिया जाए और इसमें कोई नहीं जब आप अपना पूरा डाटा देंगे कि भाई मैं अगर अल्लाह ना करे आप बेवा हो और पहले कहीं कोर्स किया था तो फिर नहीं कर पाई अब उसको फ्रेश दोबारा रिन्यू करना है लाइक ये होता ना समझो पुराने स्टाइल में कुछ सीखा होता है 20 साल पहले और अब आप किसी क्राइसिस में आ गए हो तो अब दोबारा करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स चलिए तक जो कुछ हूँ मैं इन सब की दुआओं से आई हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच आप हमारे मॉर्निंग शो में आई, गुड मॉर्निंग विद सभी में और मैं आपको बुलाती रहूंगी। ओके चलिए जी मुझे अलीना अगर आप क्योंकि जाने का टाइम हो गया, कितना मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया है अलीना अगर आप ज्वाइन कर लें तो। जी नाज़रीन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक मैसेज शेयर कर दूँ वो ये कि कभी कभी हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे और भागते हैं और लोगों की जो है वो कदर नहीं करते तो अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है और आप सिर्फ फोकस रखें अपनी मेहनत पर इंशाल्लाह ज़रूर। यस यू हैव डन ओके ये यहाँ रखें हम इसके ऊपर यहाँ रख दीजिए यहाँ बुढ़िया यहाँ रख दो और आप बैठ जाओ। थैंक यू अलीना बैठ जाओ। शेफ अलीना की प्रेजेंटेशन तिक्का रेडी हो गया आप बैठ जाओ और बस अपना ख्याल रखें, दो में याद रखें, ढेरों दुआएं हमेशा देती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखेगा, मुझे दो में याद रखेगा।